हम लोगों को कई लोगों से प्यार भी हो जाता है। इतने नहीं, अगर हमारा दिल वो अगर तोड़ देता है, हमारे दिल के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर लेता है, तो हमारी थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि सब एक जैसे ही हैं, सबके साथ एक जैसे ही होना चाहिए, सब एक जैसे ही करते हैं व्यवहार। उसके चलते आप क्या करते हो, जो रियल सोना होता है, जो रियल में आपको प्यार कर रहा है, आप उसे भी इग्नोर कर देते हो, उसे भी आप उस चक्कर में नहीं देखते हो। और आपके माइंड में हमेशा ये थिंकिंग रहती है कि सभी प्यार करने वाले झूठे होते हैं, कोई सच्चा प्यार नहीं कर रहा होता है। उस दौरान अगर कोई सच में आपको प्यार करने वाला मिल भी जाए तो आप उसको उसी में जज कर लेते हो, उसी में उसकी तुलना कर लेते हो, जिसके चलते आपसे वो सच्चा प्यार भी छूट जाता है। आपको लगता है कि वो मेरे साथ करने वाला था, ऐसे ही अच्छा हुआ जो छूट गया। फिर बाद में आपको शायद पछतावा भी हो जाए तो भी आप पछता नहीं पाते, क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई अब पछता के क्या फ़ायदा है, जब चिड़िया चुग गई खेत। फ्रेंड, ये बहुत पुरानी कहावत है, इस कहावत को शायद आप लोग भी जानते होंगे। इस कहावत से अर्थ आपको ये मिलता है कि भाई मेरे, जब फैसला लेने का टाइम था तब तो आपने लिया नहीं, और जब नहीं था तब आप लेने पर उतावले हो रहे हो। तो यार, ये सिचुएशन किसी के सामने ना आए, इसके चलते मैं आज की वीडियो बनाया हूँ कि सच्चा प्यार करने वाला आपके साथ ये व्यवहार जरूर करेगा, या फिर कहा जाए तो झूठा प्यार करने वाला आपके साथ ये व्यवहार भी कर सकता है। जो बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड, दिल से रिक्वेस्ट है आप एंड तक वॉच करिए। आपका सच्चा प्यार है या झूठा प्यार है, आपको ये भी पता चल जाएगा। इतने नहीं, आप कभी आगे चल के सच्चे प्यार और धोखे प्यार में धोखा नहीं खाओगे। तो यार, इसीलिए बोल रहा हूँ, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, मेरे एक एक पॉइंट को ध्यान सुने, इस वीडियो कहीं से भी बीच से या साइड से स्किप ना करें। और हाँ फ्रेंड, हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, दबाओ नोटिफिकेशन बेल को, वीडियो कर दो एक लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो बिना कोई टाइम बस के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यार, शुरुआत करूँगा मैं कॉलेज, ऑफिस या फिर कुछ इस तरह के पॉइंट से। मान लीजिए आप, अगर आप कॉलेज में हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उसके चलते आपको टीचर ने पूछ लिया एंड आप जवाब नहीं दे पाते, पूरा क्लास हंस रहा है आप पे, बस वो सामने वाला नहीं हंस रहा है, वो आपको तसल्ली देने में लगा रहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ नहीं हुआ, आप अगली बार और अच्छे तरीके से रीडिंग करना, आप इस क्वेश्चन का हेल्प कर लोगे। अगर कोई ऑफिस में आपसे काम नहीं बन रहा, आपको ऊपर बॉस ताने दे रहा है, उसके बाद अगर वो लड़का कहता है या लड़की कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मैं आपके लिए इतना कर देती हूँ, आपको लगता है कि छोड़ो हटाओ तो कैजुअली हेल्प हुई। अगर वो बार बार ऐसा करता है, बार बार ऐसे करती है, तो ये आपका सच्चा प्यार, इसको जाने ना दो यार। पर आपके माइंड में क्या होता है कि चलो यार, ये भी अपने मतलब निकालने वाला है, तो चल इसने मेरी हेल्प कर दी तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो मैं एक बात बताऊं फ्रेंड, कोई किसी के बारे में जल्दी आज के टाइम में नहीं सोचता है, पर अगर कोई आपके लिए सोच रहा है तो ये सच्चे प्यार से, और इससे बढ़कर क्या निशानी लोगे आप, मतलब कि जो आपकी मुसीबत पर आने पे भी आपके साथ खड़ा रहे। इतने नहीं, आपको कभी डीमोटिवेट नहीं होने दे, हमेशा आपको मॉनिटर करता रहे, आपके माइंड को चेंज करते रहे, कभी आपको उदास रहने दे, तो भाई मेरे, ये सच्चे प्यार करने वालियों की ही निशानियाँ होती है। नंबर टू में फ्रेंड, ये पॉइंट आता है कि अगर कोई आपका दोस्त या आपका कोई भी ऐसा यार है जो हमेशा आपसे कोई ना कोई चीज़ के लिए राय लेता हो, अगर वो कोई बड़ा काम करने वाला है, छोटा काम करने वाला है, फिर कोई डिसीजन लेने में उसको कंफ्यूजन हो रहा हो, सबसे पहले आप ही को वो पूछता है, आप ही के बारे में वो जानना चाहता है कि आपका ओपिनियन क्या है उस क्वेश्चन को लेकर। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये सच्चे प्यार करने वाली निशानियाँ होती है कि मैं अगर उसके थ्रू जाऊँगा तो कभी गलत नहीं जा सकता हूँ। तो भाई मेरे, ये भी सच्चे प्यार करने वालों की निशानियाँ होती है। इस बात का आसान तरीके से पता लगाने का ये फायदा है कि जब भी उसके पास कोई क्वेश्चन आता है ना, उसके दिल में आप ही का नाम आता है, वो आपके बारे में ही सोचता है, इसके चलते वो आपसे ओपिनियन लेता है। वरना आज के टाइम में एडवाइस देने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको फ्रेंड, पर सच्चे एडवाइस देने वाले ना बहुत ही कम मिलेंगे। मैंने कहा तो फ्रेंड, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लव गुरु मिल जाएंगे, बहुत सारी अलग अलग किस्म के ट्रिक देंगे, बहुत सारी अलग अलग किस्म के टिप देंगे, पर आपको अगर रियल टिप चाहिए होता है वो तो आपको खुद पता चल जाता ना कि हाँ भाई, ये रियल टिप है, तभी ना आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तभी ना आप मेरे व्यूअर हो, तभी ना आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आज वीडियो अच्छी लगी है तो, वरना तो भाई मेरा पैसे भी करते नहीं हो। ये भी पॉइंट है फ्रेंड, सच्चे प्यार करने वालों के। तीसरा पॉइंट फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानते हो, क्योंकि देखो फ्रेंड, ये पॉइंट ना अधिकतर लोगों के साथ होता है भाई, अधिकतर छोड़ो, मेरे कितने फ्रेंडों के साथ भी हो चुका है कि अगर कभी आप सैड हो या फिर कभी आप रो रहे हो, और रोने के वक्त में जो आपको आंसू पोंछने वाला मिल जाए, मतलब कि आप कितने भी बुरे क्यों ना बन जाओ उसके लिए, फिर भी अगर आपने उसे कॉल किया तो वो कॉल अटेंड करके हंसकर ही आपको रिप्लाई दे रहा है, तो ये सच्चे प्यार करने वाले निशानियाँ होती है। अगर आप किस वजह से रो रहे हो, आपके वो वजह मिटाने के बाद आपको खुशी देता है, तो वो भी सच्चे प्यार करने वाले होते हैं फ्रेंड। पर अक्सर होता क्या है, हम ऐसे सच्चे प्यार करने वाले को हमेशा इग्नोर करते हैं, नोटिस नहीं करते। अभी मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड होंगे, लड़का लड़की, कि वो जब देखो उस लड़के के पीछे पागल होंगे, लड़की के पीछे पागल होंगे, वो जब भी रोती उसकी हेल्प कर देते, फिर भी वो लड़की से छोटा सा थैंक यू बोल के लिफाफा में चलते बन जाती है, वो फिर किसी और से बात करती है पर उतना इंपॉर्टेंट उसको नहीं देती है, फिर भी बंदा उसके लिए इंपॉर्टेंट रखता है अपने माइंड में, कभी भी उसको हेल्प करती, कभी भी वो रो रहा होता है, रो रही होती है, तो उसके आंसू पोंछने के लिए सबसे पहले वही जाता है। तो यार, ये सच्चे प्यार करने वाले इंसान है, और ये इतनी कीमती परसेंट होते हैं फ्रेंड, इतनी कीमती लवर, कि इसको ना ही जाने दो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड देखो, इस वीडियो में तीन पॉइंट थे, थोड़े इमोशनल थे, थोड़े ट्रू लव भी थे, और थोड़े बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थे। फ्रेंड इसी तरह का आपको पार्ट टू चाहिए तो मुझे कमेंट करिए यार, अगर आपको वीडियो देखने में कौन सी अच्छी लगी तो आप मुझे ये बता सकते हो, कौन सा पॉइंट पसंद में आया आपको ये भी बता सकते हो, फ्रेंड आपका काम बना ना बना ये भी मुझे बता सकते हो।
अब आप अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे फ्रेंड ये बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनी तरफ से आप एक लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और भाई मेरे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, दबा दो नोटिफिकेशन बेल को। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन लेंगे अगली बार प्यार के लिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।